हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप व्हेन मटेरियल इज स्टील। जब हमारा मटेरियल क्या होगा, स्टील होगा, शेप क्या होगा उसका, सिलेंड्रिकल शेप होगा, तो उसका हम वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई है इसके ऊपर, एक जो रेक्टेंगल शेप थी उसका वेट कैलकुलेट करना, दूसरी वीडियो बनाई थी हमने जब हमारा शेप स्फेरिकल था तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर हमने वीडियो बनाई थी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें कमेंट करके पूछा, अगर शेप सिलेंड्रिकल होगा, क्यूब होगा या कोन होगा या कुछ भी हो सकता है सर, तो उसका वेट कैसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज अलग अलग शेप पे एक वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आज हमारी तीसरी वीडियो है वेट के ऊपर कि वेट कैसे कैलकुलेट करना है। पहला था रेक्टेंगल शेप, दूसरा था स्फेरिकल, तीसरा है सिलेंड्रिकल। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की वीडियो की थ्रू। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सिलेंडर के ऊपर है कि अगर हमारा जो शेप होगा सिलेंड्रिकल शेप होगा और मटेरियल जो स्टील होगा तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, वेट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो सेम ही होगा। वेट का फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेन लाख, यूनिट जो होगा वो केजी में होगा। फ्रेंड्स, शेप अगर चेंज होता है तो उसका जो वॉल्यूम भी चेंज होता है। आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब किसी भी मटेरियल का शेप चेंज होता है, वो अगर क्यूब है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, कोन है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, रेक्टेंगल है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, सिलेंड्रिकल शेप में है तो उसका वॉल्यूम अलग होगा। तो इसका मतलब है सारे का वेट अलग अलग निकलेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं, जैसा कि हम भी नहीं जानते थे टाइम था। सो फ्रेंड्स, हमने भी सीखा और आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी इस चीज को सीख लें कि वेट कैसे कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है पाई डी स्क्वायर एच बाय फोर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है, सेम डायमीटर है D1 D2 और एच से डिनोट कर रहे हैं। डायमीटर क्या है 20 mm और हाइट 50 mm। जो स्टील की डेंसिटी होती है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है और ये गिवन रहता है। इसकी हेल्प से हमें वेट कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि वेट कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम का पता होना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर एच बाय फोर। पाई जो है कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसका वैल्यू होता है 3.14। डी इज द डायमीटर, तो डायमीटर क्या है 20, तो हम उसको डी स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर, और एच क्या है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 4। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या करेंगे, 3.14 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें क्या करना, 3.14 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया हमने तो आया 62,800 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 62,800 में डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा 15,700 mm³। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं वॉल्यूम को 15,700 mm³। अब इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां से हटा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वॉल्यूम निकला है इसको हमें क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है। डेंसिटी आपको पता है 7.85, वॉल्यूम कितना है 15,700 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यूनिट केजी। फ्रेंड्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.85 मल्टीप्लाई 15,700। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,23,245 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यूनिट होगा केजी। अच्छा, जब इसमें डिवाइड करेंगे 10 लाख से तो ये वैल्यू होगी 0.123 केजी। इसका वेट क्या निकलेगा, 0.123 केजी, यानी 123 ग्राम इसका वेट निकला। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने वेट कैलकुलेट कर लिया।
फ्रेंड्स, किसी भी मटेरियल का, किसी भी शेप का वेट कैलकुलेट करना हो तो आपको आप बहुत ही आसानी से वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की हेल्प से। डेंसिटी हमेशा गिवन होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डेंसिटी होता है, बस आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो भी शेप हो। तो जब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद आप फार्मूला में पुट करते हैं तो आपका वेट कैलकुलेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।